और यहाँ पर मैं इसका दूसरा रूप दिखाना चाहूंगी कि जिन परिवारों में बेटियों को प्रोत्साहित किया, आज के परिवेश में बहुत से परिवार ऐसे हैं जहाँ बेटियों को सारे शिक्षा के संसाधन भी प्राप्त कराए गए, उन्हें जागरूक भी किया गया और उनके घर के बड़ों ने, छोटों ने, सबने उन्हें प्रोत्साहित भी किया। वहां पर बेटियों ने अपनी योग्यता के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर ये साबित कर दिखाया है कि वो बेटों से किसी भी बात में कम नहीं। फिर चाहे वो राजनीति का सुनहरा मंच हो, खेलकूद का मैदान हो, अंतरिक्ष में जाने वाली वैज्ञानिक यात्रा हो, या फिर व्यावसायिक कोई भी क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, वगैरह वगैरह, अन्य सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी योग्यता के बल पर जीत के परचम लहराए हैं। बल्कि कई क्षेत्रों में बेटियां बेटों से 4 कदम आगे निकल चुकी हैं और उनकी ये घुसपैठ मात्र पाला छूने भर की घुसपैठ नहीं, बल्कि कब्जा जमाने की एक मजबूत दावेदारी है। कहने का तात्पर्य इतना है कि यदि उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाए, उन्हें प्रोत्साहन मिले, तो बेटियां आसमान छू सकती हैं। बेटियां आसमान छू सकती हैं क्योंकि शिक्षित बेटी ही कर रख सकती है एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की नींव। यदि हम अपना सामाजिक ढांचा मजबूत करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अपने परिवारों की बेटियों को ही नहीं, बल्कि समाज की, अपने आसपास की हर बेटी को, हर अपने आसपास के रिश्तेदारों को, जानने वालों को, उन्हें जागरूक करना होगा कि हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए। ये उनके लिए तो जरूरी है ही, साथ ही हमारे समाज के लिए भी जरूरी है, हमारे राष्ट्र के लिए भी जरूरी है। और अब मैं बेटी बचाओ पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि हमारे यहाँ बहुत ही अफसोस की बात है कि ऐसी विचारधारा के लोग रहते हैं जो अपनी ही जन्मी, अपनी ही अधखिली कली को, मासूम कली को, उसकी माँ के कोख में ही मार देने का जघन्य अपराध करते हैं। उनको ये एहसास ही नहीं होता कि जाने अनजाने वो कितने बड़े अनमोल रत्न को अपने हाथ से ही खो देते हैं। अगर एहसास होता तो उस नन्ही सी जान पर इतना बड़ा कहर कभी नहीं बरसाते। और धारणा भी क्या, आदरणीय धारणा भी क्या कि बेटी हुई तो उसे पढ़ाना पड़ेगा, उसकी शादी में दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, बेटियां पराए घर की अमानत होती हैं, बेटियों से सुख नहीं मिलता। तो आज हम उन महानुभाव से ये पूछना चाहते हैं कि क्या बेटों को नहीं पढ़ाना पड़ता, बिल्कुल क्या बेटों को रोजगार नहीं कराना पड़ता? हेलो, जी मैडम, आपकी आवाज आवाज आ मिल रही है रही है? आपकी? आ रही है, ओके। मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा बोलते रहिए बीच में, जैसे मुझे पता लगे कि आप तक हम मेरी आवाज पहुंच पा रही है। आपको तन्मयता से सुन रहे हैं इसलिए बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज के वर्तमान परिवेश में यदि हम बेटों की बात करें तो बेटियों की शादी से ज्यादा खर्चा बेटों की शादी में होता है। और रही बात पराए धन की, तो आज की हकीकत जो है, 80% बच्चे, 80% बेटे नौकरी के चलते या अपने स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति है अपने माँ बाप से दूर रहते हुए अलग शहर में एकांकी जीवन अपनी फैमिली के साथ, न्यूक्लियर फैमिली लिए बैठे हैं और हंसी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से परिवार हैं जो एक ही छत के नीचे माँ बाप रहते हैं, एक ही छत के नीचे माँ बेटे बेटे बहू भी रहते हैं, लेकिन वो अपने माता पिता की खैरियत तक नहीं लेते, शक्ल तक नहीं देखते। हम ये नहीं कहते कि पूरा पुरुष वर्ग या पूरा सभी बेटे ऐसे होते हैं, मैं ये बता रही हूँ आज का परिवेश ऐसा है, आज की हकीकत ये है। यदि हम सुख ढूंढते हैं, सुख चाहते हैं, वास्तविक सुख चाहते हैं, तो सुख बेटों में है ही नहीं। सिर्फ बेटों में नहीं है, बेटों में है लेकिन सिर्फ बेटों में नहीं है, क्योंकि यदि सिर्फ बेटे के होने से सुख होता तो सभी बेटे वाले मंदिरों की घंटी नहीं बजाते,
वो तो अपने आप ही परम सुखी होते, क्योंकि उनके पास तो दो दो तीन तीन बेटे हैं। सुख हमारे अंतर मन में है, हमारी भावनाओं में है। हमें इसके लिए अपने विचारों को विराट करना होगा, भावनाओं को शुद्ध करना होगा, तब सुख हमारी दहलीज पर खुद चलकर दस्तक देता हुआ आएगा। हाँ दड़िए, मैं तब यहाँ पर एक लाइन के साथ अपनी भावना कहना चाहूंगी कि मेहंदी रोली कुमकुम का त्योहार नहीं होता, मेहंदी रोली कुमकुम का त्योहार नहीं होता, बहन बिना रक्षाबंधन का उल्लास नहीं होता, वो घर सूना सूना सा होता है जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। आदरणीय, मैं और इसके बारे में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं थोड़ी सी अपनी संस्था के बारे में अपना फाइल फोल्डर दिखाना चाहूंगी कि हमारी संस्था ने अपने विकास कार्यों में विगत 17 सालों से क्या क्या उपलब्धियां की हैं। तो कृपया आप थोड़ा सा इस फाइल पर रोशनी डालें कि ये हमारी संस्था का लोगो है, आप लोग देख सकते हैं, और ये हमारे जिला अधिकारी महोदय का, आप शायद देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा प्रयास करती हूँ कि आप तक मैं कुछ रिकॉर्ड पहुंचा सकूं। ये लेटर है हमारे जिलाधिकारी महोदय ने जो हमारी संस्था को नामित करने के लिए हम लोगों को दिया था, और ये हमारे स्कूल के झांसी के ऑलमोस्ट 80% स्कूल एंड डिग्री कॉलेज हम लोग कवर कर चुके हैं, तो उनकी ये पिक्स है, इसके वीडियो मैंने आदरणीय अनीता जी को व्हाट्सएप कर दिए हैं, तो आप लोग अपने व्हाट्सएप पर भी देख सकते हैं। और ये बहुत से सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत से हमारे ये सम्मान चिन्ह हैं जो हमें शिक्षण संस्थानों ने हमें दिए हैं। मैं सब तो आपको हाईलाइट नहीं कर सकती, लेकिन कुछ हैं जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। और एक संदेश मैं आप लोगों अभिभावकों के लिए है,